राहुल गांधी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। राहुल से गले मिलने को लेकर योगी ने आखिर कहा क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अपना भाषण खत्म करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अचानक पीएम मोदी को गले लगा लिया था। राहुल गांधी के ऐसा करने को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। दरअसल एक न्यूज चैनल से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के पीएम मोदी से गले मिलने पर तंज कसा है। योगी ने कहा कि राहुल गांधी उनसे गले मिलने से पहले 10 बार सोचेंगे। हालांकि राहुल गांधी ऐसा करने से पहले 10 बार क्यों सोचेंगे, इसको लेकर योगी ने कुछ भी नहीं कहा। कार्यक्रम के दौरान योगी से जब पूछा गया कि अगर राहुल उनसे गले मिलना चाहेंगे तो क्या वो उनसे गले मिलेंगे, इस सवाल के जवाब में योगी ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया और कहा कि वो इस तरह से स्टंट स्वीकार नहीं करते। राहुल गांधी पर बचकानी हरकतें करने का आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि उनके पास अपनी बुद्धि और विवेक नहीं है। बकौल योगी, जब कोई दूसरे के विवेक और बुद्धि से काम करता है तो किसी भी तरह की हरकत कर सकता है। योगी के मुताबिक राहुल गांधी जमीनी हकीकत से दूर है। उनकी इन बचकानी हरकतों से संसद भी अछूती नहीं रही, उन्होंने संसद की मर्यादा को भी तार तार कर दिया। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चौकड़ी से घिरे हैं, उनकी चौकड़ी के लोग जो बोल देते हैं वे वैसा ही करते हैं। वहीं राहुल गांधी को महागठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर उल्टा सवाल करते हुए योगी ने कहा कि क्या मायावती और अखिलेश राहुल गांधी को उम्मीदवार मानेंगे? क्या शरद पवार राहुल गांधी के कमान के अंडर काम करेंगे? विपक्षी गठजोड़ का नेता कौन है? इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।